तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जो भी प्रोडक्ट्स रिव्यू देखते हैं मैं खुद से परचेस करता हूँ और आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हमारे पास है ये डीजे वायरलेस, जिसका कीमत अभी आपको फर्स्ट सेल में 1299 रुपीज़ में ये मिला होगा और अभी के प्राइस इसका जो है 1499 है। और सेम टाइम अगर हम देखेंगे इस बोट ऑफ 330, इसका कीमत भी आपको सेल के टाइम जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था तभी आपको 1299 में ही मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में ये 1599 रुपीज़ में देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आप अपने लिए इन दोनों मतलब 1500 प्राइस पॉइंट में एक अच्छा वाला नेकबैंड यहाँ पर चुन पाए। तो स्पेसिफिकेशन में बारे में बात करें तो दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। यहाँ पर डीजो वायरलेस में आपको IPX4 का रेटिंग देखने को मिलता है और इस बोट ऑफ 330 में आपको IPX5 का रेटिंग देखने को मिलता है। दोनों ही फ्लैश प्रूफ है, यानी जब नॉर्मल स्वेट वगैरह हुआ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्लेबैक टाइम में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है इस बोट ऑफ 330 में। इस डीजो वायरलेस में आपको 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। बोट यहाँ पे क्लेम तो करता है 30 आवर्स, लेकिन अगर आप यूज़ कर देखेंगे यूज़ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देता है। ओके, तो इसका तो 17 आवर्स ये तो अभी हमको रिसीव हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपरली मतलब इसका जो टेस्ट करके आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे एक्चुअली आपको कितना प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में, तो इस डीजो वायरलेस में आपको एनवायरमेंट नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप कॉल के दौरान इसको यूज़ करते हैं तो एनवायरमेंट के थोड़ा बहुत नॉइज़ शायद यहाँ पे आपको रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे कॉल के रिलेटेड कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह तो नहीं है। तो टेस्ट करके हम देखेंगे कि एक्चुअली आपके लिए कॉल के लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। और गेमिंग के बारे में बात करें तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो इस डीजो वायरलेस में आपको 88 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है। प्रॉपर गेम मोड के लिए आप स्विच कर सकते हैं थ्रू द रियलमी लिंक ऐप। ओके, तो यहाँ पे गेमिंग के लिए शायद ये बेटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे दोनों का। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको 11.2 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है। तो ड्राइवर साइज़ में ही थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको साउंड यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है वो भी हम टेस्ट करेंगे ताकि फाइनली इन दोनों में आप कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पे चुन पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले जो डीजो वायरलेस है इसका बिल्ड क्वालिटी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देखेंगे तो आपको सिमिलरली जो रियलमी बर्ड्स 2 न्यू रिसेंटली लॉन्च हुए हैं सेम टाइप का आपको यहाँ पे ईयर हर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से, इसको अगर मैं इस तरह से पकड़ के रखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप देख सकते हैं पूरा सिमिलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन में आपको सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आपको मैग्नेटिक टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको कोई भी मैग्नेटिक कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। इवन जो ये रेडियल टेक्सचर यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका नाम Realme Buds 2 Neo होने के जगह अगर डीजे ईयरफोन होता तो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनता। एनीवेज अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे इसके जो नेक बैंड की क्वालिटी, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो मीवी का कॉलर फ्लास्क यहाँ पे लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मीवी के कॉलर फ्लास्क में आपको जिस टाइप का यहाँ पे नेक बैंड की क्वालिटी देखने को मिलता है, यहाँ पे हल्का सा आपको बेटर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर सिलिकॉन टाइप का यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस बोट ऑफ 330 का जो नेक बैंड की क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको सिलिकॉन टाइप का यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये बोट ऑफ 330 का और ये डीजो का साइड बाय साइड अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे थिकनेस भी देख सकते हैं। इस 330 का थिकनेस हल्का सा यहाँ पे आपको थिकनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, डीजो वायरलेस यहाँ पे काफ़ी पतला यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हैं इसको आप कुछ इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, इसको भी आप मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम अगर आप इसको इस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो ये नेक बैंड हो सकता है किसी एक पॉइंट से ये टूट जाए, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आपको 330 में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसी पॉइंट से भी तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट में अगर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल लग रहा है, लेकिन डीजो का जो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पे भी टूटने का चांसेस है। और यहाँ पे आपको मेटल का देखने को मिलता है ये केसिंग, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और वायर के बारे में बताऊँ तो वायर में भी आपको ये जो बोटोकस 330 में हल्का सा यहाँ पे थिक ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टैंगल फ्री वायर तो मिलता है डीजे वायर में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थिकनेस कम लगा। और दूसरे साइड देखेंगे तो कंट्रोल्स पैनल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ही लाइन में प्लस माइनस और जो प्ले पॉज का बटन देखने को मिलता है और एक एलईडी नोटिफिकेशन। और इस साइड आपको एलईडी नोटिफिकेशन तो मिलता है लेकिन प्ले पॉज का इधर सेपरेट, और दूसरे साइड आपको ये प्लस और माइनस का बटन इस साइड पर सेपरेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एक्चुअली यूजफुल है। और यहाँ पे आपको कवर देखने को मिलता है चार्जिंग पोर्ट के लिए, लेकिन डीजे वायरलेस में आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट में कवर देखने को नहीं मिलता है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे ईयरबड्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरबड्स की अगर यहाँ पे आपको इस तरह से हुक्स देखने को मिलता है इस बोटोकस 330 में, और यहाँ पे आपको ये आपको मैग्नेटिक टाइप का देखने को मिलता है और ये मेटल की है, तो इसका मतलब एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको ये मैग्नेटिक टाइप का है और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको बिल्ड यहाँ पे प्लास्टिक टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईयर टिप्स डीजो का थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सॉफ्ट लगा, बोट का भी मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखेंगे तो डीजो में आपको इसी पॉइंट में कुछ इस तरह सा, लेकिन बोट ओकस में आपको प्रॉपरली कुछ इस तरह सा पॉइंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका भी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये था ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ये दोनों ही नेक बैंड के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो डीजो वायरलेस का बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ा सा कम लगा, और 330 का यहाँ पे मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर लगा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको म्यूजिक क्वालिटी और यहाँ पे कॉल क्वालिटी और आपको जो लेटेंसी यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट वाला म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट कैसा है जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे IGTV में चेक कर सकते हैं। अभी ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आवाज़ आपको ACD जो वायरलेस से मिल रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली आपको एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन का यूज़ किया गया है। मैं अपना फैन मीडियम स्पीड में चालू रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए तो यहाँ पे जो माइक क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। और अभी ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आवाज़ आपको इस बोटोकस 330 से मिल रहा है। यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन के लिए कोई भी आपको स्पेशल फीचर देखने को नहीं मिलता है। सिनेरियो यहाँ पे भी सेम है कि मैंने जो फैन है मैं मीडियम स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करके किसी को कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो आपको माइक क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली है। तो ये है रियलमी लिंक का आप, जिसके मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको गेम मोड मिल जाता है, आपको यहाँ पे ऑन कर देना है तब ये गेमिंग मोड यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक डेमो अभी दिखा देता हूँ।
सो फाइनली हम बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो बिल्ड क्वालिटी और इसके जो कंफर्ट के बारे में बात करते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी में बोलूँगा तो ये जो डीजो वायरलेस आपको काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलेगा, और इसका मैं बोलूँगा जो बिल्ड क्वालिटी 1000 रुपीज़ के लिए और थे, और 1200 तक ये ओके टाइप का मैं बोलूँगा इसका बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इसका जो 1500 रुपीज़ आप पे करते हैं, यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पे इस तरह से मेटल बोर्ड देखने को मिलता है, इसका सिलिकॉन जो ये मटेरियल यूज़ किया गया काफ़ी सॉफ्ट है, और वायर भी इसका मतलब बेटर है इस डीजो वायरलेस से। तो यहाँ पे बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी भी आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, इसका मैं बोल सकता हूँ कि और भी इम्प्रूव हो जाए। आप 1500 जो पे कर रहे हैं इसके लिए ये वर्थ नहीं है। और आगे हम बात कर इसके जो म्यूजिक क्वालिटी, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लाउडनेस में कमी देखने को मिलेगा, और साथ में आपको बेस में भी आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर आप ज़्यादातर अगर नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर जो बिंज वाचिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो वोकल्स जो डायलेक्ट डिलीवरीज रहते हैं वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। सेम टाइम में अगर बोट ऑकस बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको जो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बेस अगर आपके लिए प्रायोरिटी है तो ये आप ज़रूर खरीदिए, आपको बहुत अच्छा बेस यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ट्रेवल हुआ या फिर वोकल्स भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, तो म्यूजिक के लिए यहाँ पे ये रिकमेंडेड है। बाकी अगर बात कर लेते हैं इसके जो कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे इस डीजो वायरलेस का मैं बात करूँ तो ये मुझे मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट जो ये ईयर टिप्स है इसको यूज़ करने पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कानों से बार बार ऐसे फिसल रहा था। शायद ईयर टिप्स को मैं अगर चेंज कर लूँ तो शायद ये मुझे ठीक से फिट हो जाए, लेकिन बाकी ये कम्फर्टेबल है। बस मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि ये ईयर टिप्स चेंज करने के बाद शायद ये मेरे कान पे प्रॉपरली फिट हो, इसका जो बाय डिफॉल्ट ईयर टिप्स है ये अच्छे से मतलब फिट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे भी आपको कम्फर्टेबल देखने को मिलता है, और यहाँ पे ऐसा सचास कुछ इश्यू नहीं है। अगर इसी बारे में बात करें तो आपको जो पासिव नॉइज कैंसिलेशन यहाँ पे एक्चुअली इस बोट में बेटर देखने को मिलता है। शायद वो चीज़ मैंने आपको जैसे बताया कि ईयर टिप्स के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता होगा, लेकिन पासिव नॉइज कैंसिलेशन अभी के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो माइक क्वालिटी देखो, यहाँ पे आपको कॉल नॉइज़ आइसोलेशन के लिए यहाँ पे एनवायरनमेंट नॉइज़ आइसोलेशन का यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस मुझे नहीं लगा। बाकी अगर आप ज़्यादा नॉइज़ी एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसिलेशन वाला फीचर ज़्यादा वर्कआउट करेगा, तो यहाँ पे कॉल के लिए थोड़ा सा ये बेटर रहेगा, लेकिन ये आपके लिए बुरा नहीं है। और गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर 88 मिलीसेकंड का यहाँ पे लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है इस डीजो वायरलेस में। तो गेमिंग प्रायोरिटी है, और कम प्राइस में अगर आपको खरीदना है एक नेक बैंड तो आप इसके लिए जरूर जाइए, यहाँ पे आपको अच्छा खासा लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है। और बोट के इसी नेक बैंड में आपको लेटेंसी का जो इश्यू है देखने को मिलता है, मतलब ऑडियो वीडियो का जो डिले थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जो आपको मैंने ऑलरेडी एक डेमो दे चुका हूँ। और एक जो मेजर पॉइंट है कि यहाँ पे आपको ये मैग्नेटिक कंट्रोल वाला फीचर देखने को मिलता है। जैसे आप इस ईयरबड्स को इसे सेपरेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और इसको फिर से अगर आप इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल है कि आपका पावर सेविंग का एक काम हो जाता है, लेकिन बोटॉक्स 330 में आपको ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको अभी एक बोटॉक्स 335 का एक नया वेरियंट आया है, स्मार्ट बर्ड्स वाला वेरियंट, यहाँ पे आपको ये मैग्नेटिक कंट्रोल वाला फीचर देखने को मिलता है। इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, और इसका हम कंपैरिजन इस डीजो वायरलेस के साथ जल्द ही लेके आने वाला है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो प्लीज़ वो ऑल बेल को प्रेस करने के बाद वो ऑल भी प्रेस कर देना, ताकि ये वीडियो जैसे आए आप उसको भी मिस ना करें। बाकी ये वीडियो में अगर आपको और कुछ भी डाउट हो ये दोनों ही नेकबैंड के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे भी DM कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम में भी चैनल है, जहाँ पे हम जो यूज़फुल प्रोडक्ट के लिंक्स डालते रहते हैं, हो सकता है आपके लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट वहाँ पे भी अवेलेबल हो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।